शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार पर, सीएम योगी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। जी हां, मोदी के कार्यकाल में रुपया गिरा, योगी मुंबई से 5 लाख करोड़ उड़ा ले गए और सरकार देखती रह गई। इस पर संजय राउत का बयान भी है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सामना में क्या लिखा है जरा आपको वो बता दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना लेकर मुंबई आए, जिसके बाद मुंबई में 2 दिवसीय उन्होंने दौरा किया। उन्होंने मुंबई के तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की और मुंबई से यूपी जाते ही 5 लाख करोड़ का करार हो गया। योगी ने मुंबई में मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम, बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। देखिए, इंसानों को उसकी औकात के ऊपर पद मिल जाए तो ऐसा ही होता है। सामना के शब्द है ये, सामना के लेख में आपको बता रही हूँ। योगी मुंबई से उत्तर प्रदेश में निवेश ले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस व उनका कुनबा अगले महीने निवेश लाने जर्मनी के दावोस में बर्फ उड़ाने जाने वाले हैं। योगी ने यहाँ के उद्योगपतियों से कहा, उत्तर प्रदेश में आप और आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। और साथ ही देखिए, ये भी कहा गया है सामना में कि महाराष्ट्र सरकार को इस बात को गंभीरता से लेने चाहिए। महाराष्ट्र से पिछले 5 महीने में वेदांता, फॉक्सॉन सहित कई बड़ी परियोजनाएं बाहर चली गई है। वर्तमान सरकार पर भरोसा ना होने के कारण ये हुआ है। साथ ही योगी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी परियोजना पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सामने रखे गए $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के प्रमुख राज्यों में प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन मैच फिक्सिंग करके गुजरात सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि मोदी के राज्य में कार्यकाल में रुपया गिरा है और उठने को ही तैयार नहीं है। 2021-22 के आर्थिक विकास दर का आंकड़ा सामने आया है, विकास दर में सबसे पीछे महाराष्ट्र है, ये भी इसमें कहा गया है। संजय राउत ने क्या कहा है जरा आप वो सुनिए, सामना में क्या लिखा है वो तो आपने सुना, अब संजय राउत का हमला सुनिए। खरं म्हणजे बोलावे असे खूप विषय महाराष्ट्रामध्ये आहेत। योगी आदित्यनाथ मुंबईत येऊन 5 लाख कोटीची गुंतवणूक उत्तर प्रदेशला घेऊन जातात। कुठे आहेत मुख्यमंत्री? 5 लाख कोटीची गुंतवणूक मुंबईतून नेतात आणि आमचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं वराड आणि बिराड हे पुढल्या महिन्यात बहुते जर्मनीत चालल्या गुंतवणूक आणायला, म्हणजे तिकडे जेव्हा बर्फ पडण्याचा मौसम असतो बर्फ उडवायला चालले एकमेकांवर, इथून 5 लाख कोटी उडवून घेऊन गेले योगी आदित्यनाथ तुमच्या नाकासमोर। ही महाराष्ट्राची अवस्था आहे। 2.5 लाख कोटीची गुंतवणूक इकडले प्रकल्प एक गुजरातला पुरवण्यात आले। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावर यांची वाचा गेलेली आहे, काय सांगता आम्हाला तुम्ही? ठीक आहे पाहू साहेब।